पावर कॉर्पोरेशन कर्मचारियों की भविष्य निधि के करीब 2600 करोड़ रुपए का गलत तरीके से निवेश किए जाने के मामले में बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। एक ओर जहां श्रीकांत शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समय इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होने का आरोप लगाया है, वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को मिले चंदे पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगा दिए हैं। श्रीकांत शर्मा ने कहा था कि माफिया सरगना दाऊद अब्राहिम से कथित तौर पर जुड़ी कंपनी DHFL में PF निवेश कराने वाली पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया रहे अखिलेश उस कंपनी से अपने रिश्तों के बारे में बताएं। वहीं पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि DHFL से चंदा लेने वाले बिजली मंत्री आखिर बताएं कि रिश्ता क्या कहलाता है। आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। बीजेपी का आरोप है कि 17 मार्च 2017 के बाद से पावर कॉर्पोरेशन ने सरकार के संज्ञान में लाए बिना निजी क्षेत्र की संस्था DHFL में निवेश शुरू कर दिया था। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अखिलेश सरकार ने ही पीछे के दरवाजे से यह निर्णय लेकर भ्रष्टाचार के दरवाजे खोल दिए थे। अक्टूबर 2016 में निजी संस्था में निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया और 17 दिसंबर 2016 को संबंधित ट्रस्ट के सचिव और निदेशक को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया था। उसके बाद 17 मार्च 2017 से कर्मचारियों की भविष्य निधि का गलत तरीके से DHFL में निवेश किया जाने लगा। अखिलेश यह बताएं कि उनका इस कंपनी से क्या संबंध है। इस कंपनी में भविष्य निधि का निवेश अखिलेश के इशारे पर हो रहा था, ऐसा आरोप बीजेपी का है। शर्मा ने इस मामले पर योगी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। अब समझिए कि समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है। समाजवादी पार्टी ने बिजली मंत्री पर पलटवार करते हुए कहा है कि DHFL से 20 करोड़ रुपए का चंदा लेने वाले भाजपा के मंत्री शर्मा जी बताएं कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सत्ता जनता का ध्यान भटका रही है, देश की राजनीति के चलते झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पूरे मामले में बीजेपी सरकार की कार्यशैली संदिग्ध है, जो खुद को बचाने के लिए अनर्गल बातें कर रही है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इस घोटाले के खिलाफ आंदोलन चलाए जाने का ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा, जब तक कर्मचारियों की भविष्य निधि का एक एक पैसा वापस नहीं होता तब तक पार्टी संघर्ष करेगी। इधर बिजली कर्मियों के संगठन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को तत्काल हटाए जाने की मांग कर दी है। अब बात करते हैं आखिर फैक्ट्स क्या कहते हैं। सपा सरकार पर आरोप लगाकर वर्तमान सरकार अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है, लेकिन इसी सरकार में भी DHFL में निवेश कैसे और किसकी अनुमति से लगातार होता रहा है, इसका जवाब तो आखिर सरकार और ऊर्जा मंत्री को ही देना होगा। अभी तक कुल निवेश 4,122.70 करोड़ रुपए का हुआ है, जिसमें से 2268 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। अब आने वाले समय में इस मामले में यूपी की राजनीति में क्या कुछ और देखने को मिलता है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन करोड़ों रुपए डूबने से कर्मचारियों को जो आर्थिक और मानसिक परेशानियां हुई हैं, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा, बताने वाला कोई फिलहाल नजर नहीं आता। क्या पीएम मोदी इस मामले में कुछ बोलेंगे या सीएम योगी कर्मचारियों का दर्द समझेंगे, जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब कीजिए मीडिया हलचल को और बने रहिए खबरों के साथ।